अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताना चाह रही हूँ वेज तहरी। इसके लिए मैं चावल ली, सोना मसूरी जो डेली हम यूज़ करते हैं उसकी बनाएंगे। एक पैन रख दी मैं। वेजिटेबल में सबसे पहले हम आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आलू थोड़ा फ्राई होने के बाद दूसरा वेजिटेबल डालेंगे। आलू को 50% फ्राई कर लेंगे। आलू हमारे हल्के से ब्राउन हो रहे हैं। अब इसमें गाजर, दो मीडियम साइज के गाजर है, थोड़ी सी बीन्स की फली है। अब इसमें एक कप मटर डालेंगे। पाँच छः मिनट में इसको फ्राई कर लेंगे आलू डालने के बाद। अब ये निकाल लेंगे। फ्राई करके डालेंगे तो इसमें से सोंधापन आता, अच्छा टेस्ट आता। कच्चापन जो रहता वेजिटेबल्स का, कच्चे स्मेल जो फली में हुआ थी वो नहीं रहती। अब हम ये ऑयल में दो मीडियम साइज के प्याज डालेंगे। इसके लिए मैं ली हूँ चार बड़े साइज के टमाटर। तहरी में टमाटर की क्वांटिटी अच्छी डालना, उससे टेस्ट अच्छा आता। और इसके लिए मैं ली हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन है, 2 टीस्पून लाल मिर्ची, 2 टीस्पून नमक, थोड़ी सी 1/2 टीस्पून हल्दी, और गरम मसाले में थोड़ा सा साबित गरम मसाला और 1/2 टीस्पून पाउडर गरम मसाला। सबसे पहले अब प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गई। सबसे पहले 2 टीस्पून अदरक लहसुन जो बोली थी मैं डाल के इसको, अदरक लहसुन कच्चा, अदरक लहसुन का कच्चापन जाना और हल्का सा ये ब्राउन होना, जब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और मिर्ची, इसको भी थोड़ी देर फ्राई करना, ज़्यादा नहीं, सूखी रहती है मिर्ची जल्दी जल जाती। कुछ सेकंडों के लिए हम फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंडों के लिए मैं फ्राई करी। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। पहले टमाटर को गलने देंगे। टमाटरों को मैं अच्छे से भून दी, टमाटर अच्छे से भुने गए। अब इसमें 1 कप दही डालेंगे। दही को भी अच्छा पका लेंगे, इसका कच्चापन जाना। दही को मैं अच्छे से भून ली, दही का पानी भी जो रिलीज होता है वो सूख गया और इसका कच्चापन चला गया। अब इसमें पानी डालेंगे, चावल का डबल डालेंगे पानी। पानी में उबाल आने का इंतजार करेंगे। पानी में गरम, दूसरे चूल्हे पे पानी गरम करने रख दी थी, गरम था इसलिए दाल देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया। इससे ज़्यादा हमारा टाइम बच जाता, जल्दी पकता। चलिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया। अब इसमें जो वेजिटेबल तल के रखे थे वो डाल देंगे। थोड़ा सा कोथमीर और थोड़ा सा पुदीना, 2-3 हरी मिर्चियाँ, 1 लेमन का जूस, गरम मसाला। अब इसको कवर करके पकाएंगे। इसका पानी क्वांटिटी आधे से थोड़ी कम हो जाना, जब तक इसको पकाएंगे। चलिए पानी की क्वांटिटी आधी से कम हो गई और चावल भी हमारा अच्छा सा गलने का है। अब फ्लेम को हम धीमा कर देंगे, 10 मिनट के लिए धीमे फ्लेम पे छोड़ देंगे। चलिए हमारी तहरी तैयार है, वेज तहरी हमारी तैयार है। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।